Hi everyone, 30 days to go for CAT 2024. You must be feeling nervous and you must be ready. I'm very sure. आपने live classes तो जो चल रहे हैं on VRC, I hope उनको आप continue कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, आपको improvement भी लग रहा होगा. At the same time, in today's video, I'm going to give you certain tips as well as few to-do list जो आपको 30 डे में फॉलो करनी है. और अगर आप फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली ना कि सिर्फ इम्प्रूवमेंट दिखेगा बट जो भी आपका स्कोर है, जैसे आप ऑलरेडी एक अच्छा स्कोर कर रहे हो, आप उसको इजीली मेंटेन करोगे एंड थिंग्स विल नॉट गो रॉन्ग ऑन द एग्जाम डे ऑन द डी डे. मैं कुछ आपको 30 डेज की टिप्स देने वाली हूँ. एट द सेम टाइम लास्ट वीक में या लास्ट एक दो दिन में क्या क्या चीजें करनी है वो सारी चीजें. आई होप आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, उसको कलर्ड प्रिंट में, ब्लैक एंड व्हाइट में मत निकालो, उसमें अपना फोटो थंबप्रिंट पहले से रेडी करके चलो. लास्ट डे पे बहुत लोग उस प्रिंटर जेरोक्स शॉप ढूंढते हैं, ये सारी चीजें हमको नहीं करनी, ठीक है. वी हैव टू बी रेडी वेल इन एडवांस. सो ठीक है, सबसे पहले अगर मैं वीआरसी के आपको टिप्स दूं स्टूडेंट्स डेली के, आपको दो आरसी सॉल्व करने ही करने हैं, राइट. और मे बी आप ऑल्टरनेट डे रख सकते हो, अगर डेली सॉल्व कर लो तो बेस्ट है. 2 आरसी एंड 7 to 8 वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन, ये आपका मिनिमम प्रैक्टिस होना चाहिए. मिनिमम 2 मॉक्स इन अ वीक इज अगेन कंपल्सरी. एग्जाम में भी याद रखना और अभी जो आप टेस्ट या मॉक दे रहे हो उसमें भी याद रखना है कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन is very very important, right? कई बार answer directly नहीं आता है but compare करते हैं process of elimination से अपना answer आ जाता है. Next point students, mocks में वो question मत attempt करो जिसमें आप guess work कर रहे हो या आप sure नहीं हो, because exam में भी आपको सारे question attempt नहीं करने. For example, verbal में 16 to 18 is your best attempt, right? That is max. DILR में अराउंड 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 50% ऑफ, अगर सब करेक्ट हो गए तो ग्रेट, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है गलत होगा 10 to 12, दैट इज लाइक मैथ्स. अगेन इन मैथ्स अराउंड 18 क्वेश्चन, राइट, अप्रोक्सीमेटली. तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, सो इसीलिए अभी से प्रैक्टिस डालो कि आप अगर आपके ये अटेम्प्ट हैं तो आप उसको मेंटेन कर रहे हो, बिकॉज आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन रीड करोगे ज्यादा सॉल्व करने के चक्कर में तो ज्यादा रॉन्ग होंगे, वो अपने कर रहे हैं. रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन केयरफुली, थोड़े 18 की जगह से वर्बल में 16 क्वेश्चन हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई to maintain that, right? Most importantly, आपको याद रखना है कि VARC में या overall CAT में हर साल छोटा-छोटा change आता है, 1% 2% कुछ changes आएंगे, right? So आपको थोड़ी strategy flexible रखनी है. You have to stick to your strategy of mocks में आपने adapt किया, आप strength और weakness के हिसाब से आप RC से start करोगे, आप कितने RC करोगे exam में, 2 या 3 RC उतना ठीक है, but still क्या changes के साथ थोड़ा सा flexible mentally आपको होके जाना है, बिल्कुल ही rigid भी नहीं होना है आपको, ठीक है. So ये कुछ चीजें हैं जो you should know. Make sure आपकी डेली एक रीडिंग हैबिट मेंटेन हो फॉर 30 मिनट्स. रीड समथिंग विच इज सिमिलर टू कैट लैंग्वेज. कैट के जो पैसेजेस होते हैं उसमें एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश होती है, सो अगर आप नॉवेल्स पढ़ोगे इट विल नॉट हेल्प यू, राइट. अगर आप लेट्स से कोई इजी ऐसे रीड करो एडिटोरियल, वो भी हेल्प नहीं करेगा. इस तरह के आर्टिकल्स रीड करो द इकोनॉमिस्ट से, या कोई साइंस जो पब्लिशिंग पेपर्स होते हैं उस तरह के आर्टिकल्स रीड करो जो आपको काम आएंगे, कि कैट के पैसेजेस की लैंग्वेज एज वेल एज वोकैबुलरी इज क्वाइट टफ, इजंट इट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट डी डे टिप्स, कैट के जब एग्जाम ऑलमोस्ट 1 वीक बचेगा, राइट, आफ्टर फ्यू कपल ऑफ वीक्स, आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड रेडी रखना है, फोटो आईडी कार्ड आपको कैरी करना पड़ेगा, यू शुड नॉट कैरी वॉच एंड ऑल दीस थिंग्स बिकॉज़ वैसे भी दे विल नॉट अलाउ यू, आपको सब बाहर रखना पड़ेगा. सम कॉलेजेस डू प्रोवाइड लॉकर, सम कॉलेज डू नॉट प्रोवाइड दैट, तो वो रिस्क पे रहेगा. इसलिए इतनी चीजें कैरी करो कि जो अगर आप बाहर छोड़ भी रहे हो शूज एंड एवरीथिंग तो ठीक है, आपको अंदर टेंशन ना हो कि अरे मेरा बाहर कुछ एक्सपेंसिव रखा है. सो डोंट वेयर वेरी एक्सपेंसिव शूज आई वुड से फॉर दैट मैटर एंड ऑल दीस थिंग्स. आपको एक बैग में इफ पॉसिबल, इफ यू स्टिल आर कैरिंग समथिंग एक्सपेंसिव, छोटा सा लॉकर लेके जाओ तो उस बैग के चेन में आप लॉकर लगा सकते हो. सो दैट्स व्हाट यू डू ऑन द एग्जाम डे. मेक श्योर यू गेट इनफ स्लीप, राइट. अब 1 वीक पहले से थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना शुरू करो, बिकॉज कई बार स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं मॉक्स में, बट एग्जाम के दिन क्योंकि इतने टेंशन में होते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है. सो थोड़ा अगर आप टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक है इन लास्ट 30 डेज और डिसिप्लिन है तो 1 या 2 घंटा टू डू समथिंग यू लाइक, टू वॉच समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स से, ऑन OTT, राइट, जो भी, टू मीट फ्रेंड्स, टू टॉक टू फ्रेंड्स, आप इतना टाइम 1 घंटा 2 घंटा निकाल सकते हो, 1 to 2 hours, बट देन मेक श्योर कि यू गिव टाइम टू योरसेल्फ आल्सो. जितनी प्रिपरेशन होनी थी होगी, लास्ट 3-4 डेज में वैसे भी इतना कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है. एज आई सेड, बी मेंटली फ्लेक्सिबल बिकॉज देयर आर ऑलवेज सम चेंजेस इन कैट एग्जाम, बट थोड़ा सा आपको अपनी स्ट्रेटजी याद रखनी है. बिल्कुल नर्वस होकर बिल्कुल चेंज नहीं कर देंगे, दैट इज नेवर अ ग्रेट आइडिया स्टूडेंट्स.
पे अटेंशन टू ट्यूटोरियल. एग्जाम के स्टार्टिंग में एक ट्यूटोरियल बताते हैं कि आपको कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम देना है, कैसे एक सेक्शन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा. राइट, आपको इनफ टाइम नहीं मिलने वाले. स्टिल डूइंग लेट्स से वोबल 40 मिनट्स हो गए तो आराम से नेक्स्ट डीएलआर सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा. ऐसा नहीं कि वो आपको फिनिश करोगे तभी होगा. यू कैन फिनिश, अगर आपका हो भी गया तो भी डीएलआर आफ्टर 40 मिनट्स ही स्टार्ट होगा इफ यू फिनिश वीआरसी विद इन 30 मिनट्स आल्सो. सो ऑल दोस थिंग्स को ध्यान से देखो जब जा रहे हो. जो भी आपको एरिया या चेयर मिला उसको कंप्यूटर देखो, सीटिंग एरिया देखो. कई बार होता है कि एसी इज जस्ट ऑन आवर हेड जिसे बहुत ठंडी लग रही होती है तो आप दो घंटे उस चीज को वो चीज आपको डिस्टर्ब करेगी. इनिशियली मे बी यू कैन अवॉइड. तो ऐसा कुछ भी है, फैन की बहुत तेज आवाज आ रही है या विंडो इज ओपन इट्स रेनिंग या एनीथिंग, धूप बहुत तेज है वो आपको लग रहा है, तो एनीथिंग विच कैन अफेक्ट यू आपको तभी इन्विजिलेटर को बोलना है. बिकॉज वंस द एग्जाम स्टार्ट्स इन्विजिलेटर के लिए तब चेंजेस करना बहुत मुश्किल है. आपके आसपास वाले भी डिस्टर्ब होंगे तो डू नॉट डू इट. डू नॉट लुक अराउंड एंड एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम. ऑफ कोर्स यू विल डू दैट. एंड या राइट, एनीथिंग डिसकंफर्टिंग इनिशियली आप पता कर लो, उस बाद में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. राइट, इन्विजिलेटर या एग्जामिनर को भी आपको हेल्प करना. कीप अ कॉन्स्टेंट आई ऑन टाइमर. आई मीन कॉन्स्टेंट टाइम ना, आफ्टर एवरी हाफ एन आवर चार पांच क्वेश्चन हो गए बट हर क्वेश्चन के बाद आप टाइमर को देख रहे हो, यू आर ओनली वेस्टिंग योर टाइम एंड अननेसेसरी इनवाइटिंग नर्वसनेस अपने लिए. तो वो आपको नहीं करना है. मेक श्योर आप एग्जामिनेशन सेंटर 1.5 आवर पहले पहुंचो. राइट, दिस इज लाइक मिनिमम. बिकॉज अगर आप 1 आवर पहले पहुंचे तो मे बी आपको एंट्री नहीं मिलेगी. बिकॉज 1.5 आवर पहले ही अंदर बेसिकली ले जाना शुरू कर देते हैं. आपका सारी चीजें चेक होती है, एडमिट कार्ड, आईडी, अंदर भी आपको एक फोटो और बायोमेट्रिक वो सब वो प्रिपेयर करते हैं. आपकी चीजें आपको रखना शुरू होता है. तो से आपका एग्जाम फॉर एग्जाम्पल 8 बजे है, आप पहुंचते हो 7 बजे, आपको बाहर कोई नहीं दिखेगा स्टूडेंट साइड. आपको बाहर सब लोग अंदर जाके वो प्रोसेस में होंगे क्योंकि एग्जाम के हाफ एन आवर पहले आपको आपके सीट पे बिठा देते हैं. 8 बजे के 7:30 आपने सीट पे होंगे चेयर पे एंड देन यू विल बी सीइंग द ट्यूटोरियल एवरीथिंग. सो दैट जब एग्जाम एक्चुअली स्टार्ट होता है तो यू कैन स्टार्ट ऑन टाइम लाइक दैट. सो सारा प्रोसेस 1 आवर पहले शुरू होता है, तो 1.5 आवर पहले आपको पहुंचना बहुत जरूरी जस्ट टू अवॉइड एनी रिस्क. एंड या अवॉइड मेकिंग गेसेस. गेसेस मत करो एग्जाम में. आपको लिमिटेड अटेम्प्ट्स ही करने हर सेक्शन में से, सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने नहीं है. तो जितने भी आपको क्वेश्चन लग रहे हैं कि टाइम ले रहा है, यू आर नॉट वेरी श्योर, लीव दोस क्वेश्चन. थोड़े क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करोगे तो चलेगा. एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए रादर देन यू अटेम्प्टिंग सो मेनी क्वेश्चन. जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हो, रीड भी नहीं कर रहे हो ठीक से, सब गलत कर रहे हो. डू नॉट डू इट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, रिलैक्स. राइट, प्लीज रिलैक्स. आई नो इट साउंड्स वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी कि मैं अभी इतने नर्वस हो रहे हैं, अभी आप क्या बोल रहे हो हमको रिलैक्स होने को. वी कांट बी रिलैक्स इवन इफ यू वॉन्ट टू. बट ट्रस्ट मी विद प्रॉपर डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट, राइट, जितना हमें मेहनत करी थी हम कर चुके हैं. और लास्ट 1 मंथ में ठीक है मतलब करना, बट 1 या 2 आवर्स हम अपने लिए निकाल सकते हैं. राइट, सो मेक श्योर आप अपने लिए 1 आवर अभी निकालो. अभी बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर योर मेंटल हेल्थ टू ईज आउट द स्ट्रेस, डिक्रीज एनी टेंशन जो आपको मिल रहा है. आई नो इट इज डिफिकल्ट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू कॉलेज जो कैट की प्रिपरेशन प्लस दूसरी चीज भी साथ में कर रहे हैं, बट इट इज पॉसिबल. एटलीस्ट 1 आवर इज डेफिनेटली पॉसिबल. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फूड, ऑफ योर स्लीप, ऑफ योर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, रिलैक्सिंग, ये सब चीजों पर आपको ध्यान देना है. सो स्टूडेंट्स, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.